नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं बात करूंगा HFCL के बारे में। तो HFCL से जो मैं पिछले दिनों में एक वीडियो आपको बना के दिया था, क्योंकि तब मेरे वीडियो को बनाने का जो मकसद था, बहुत सारे लोग कमेंट किए थे, सर इस कंपनी ने डिविडेंड मतलब इस कंपनी डिविडेंड कब अनाउंसमेंट करेगा। तो उसके ऊपर मैं पिछले दिनों में ही आपको वीडियो बना के दिया, इसका डिविडेंड कितना मिलेगा, उसका डिविडेंड का एक्सडेट क्या है। तो वो सारे डिटेल्स आपको प्रीवियस वीडियो में मिल जाएगा, तो आप जाकर एक बार प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। तो आज मैं इसी कंपनी के ऊपर बात करूंगा, क्योंकि कंपनी ने एक बहुत बड़ा डील साइन किया है, कंपनी को एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिला है, जिस प्रोजेक्ट के कारण इस कंपनी का फ्यूचर में एक अच्छा खासा ग्रोथ और पोटेंशियल देखने को मिलेगा। तो कौन सा वो न्यूज है और किससे कंपनी को प्रोजेक्ट मिला, वो भी यहाँ पे डिस्कस करूंगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके सपोर्ट के बिना, आपके प्यार के बिना कुछ भी संभव नहीं है। तो बहुत बहुत धन्यवाद मेरे वीडियो देखने के लिए और मेरे साथ जुड़े रहने के लिए। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो सबसे पहली बात, कंपनी का जो डिटेल्स है वो मैं आपको बता दूं। तो दिग्गज वेबसाइट आप देख सकते हैं माइंड, तो माइंड के वेबसाइट से आपको पूरा डिटेल्स यहाँ पे मिल जाएगा। आप जाकर इस वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं और इस न्यूज को जरूर देख सकते हैं। तो चलो देख लेते हैं आज के न्यूज के बारे में। तो क्या बताया जा रहा है, HFCL, तो HFCL बेग्स एडवांस परचेज ऑर्डर। तो HFCL बेग्स एडवांस परचेज ऑर्डर ₹448 करोड़ फ्रॉम BSNL एंड रेलटेल। इसका मतलब क्या है, देखिए मैं पहले आपको कंपनी का बिजनेस मॉडल आपको समझा देता हूँ। देखिए कंपनी क्या करते हैं, कंपनी टेलीकॉम टेलीकम्युनिकेशन के ऊपर भी काम करते हैं, रेलवे के ऊपर भी काम करते हैं, सेफ्टी स्मार्ट सिटीज के ऊपर भी काम करते हैं, डिफेंस सेक्टर के साथ भी जुड़े हुए हैं। तो अभी कंपनी को जो प्रोजेक्ट मिला वो रेलवे टेलीकॉम सेक्टर के ऊपर, मतलब आप देख सकते हैं BSNL, जो BSNL इंडिया के सबसे लार्जेस्ट टेलीकॉम इंडस्ट्रीज है अभी के लिए, उसका मतलब आप गूगल में सर्च करेंगे टॉप 10 कंपनीज के बारे में, तो आपको BSNL नंबर 1 आएगा। तो बहुत सारे लोग कहेंगे सर BSNL का तो अभी अता पता नहीं है, मुझे तो BSNL दिख भी नहीं रहा है। हाँ आपके बात सही है, फिर भी सबसे बड़ा टेलीकॉम सेक्टर BSNL ही है, क्योंकि देखिए आप रिटेल पब्लिक के पास आज BSNL उतना ज़्यादा नहीं है, गवर्नमेंट सेक्टर में साथ ही साथ आप देखेंगे तो बहुत सारे बड़े कंपनीज में आपको BSNL जरूर दिखेगा, और साथ ही साथ टेलीकॉम सेक्टर में और बहुत सारे डिफेंस सेक्टर में भी BSNL को ही यूज़ किया जाता है, वहाँ पे कोई पर्सनल नेटवर्क यूज़ नहीं किया जाता है। तो BSNL इंडिया का नंबर 1 टेलीकॉम सिस्टम हुए। तो BSNL ने क्या किया, कंपनी के ऊपर एक बहुत बड़ा यहाँ पे अनाउंसमेंट कर दिया, एक बहुत बड़ा यहाँ पे डील साइन कर चुके हैं। तो चलो अभी देख लेते हैं न्यूज़ के बारे में। तो यहाँ पे न्यूज़ में क्या बताया जा रहा है, देखिए मैं पहले आपको बता चुका हूँ, टेली कम्युनिकेशन सेक्टर मतलब जो टावर्स होते हैं, इसका जितने सारे ऑप्टिकल फाइबर्स हो गया, जिसके टावर्स के लिए कितने सारे मतलब कंपोनेंट्स हो गया, तो उसी के बनाने के कंपनी काम करते हैं। तो कंपनी का क्या कर रहा है, एडवांस परचेज ऑर्डर मतलब प्रोडक्ट खरीदने के लिए, इस कंपनी से प्रोडक्ट खरीदने के लिए 448 करोड़ का यहाँ पे BSNL और रेलटेल ने एडवांस दे चुके हैं परचेज करने के लिए। तो कौन सा मतलब यहाँ पे डिटेल्स है वो चलो मैं आपको दिखा देता हूँ। द इंडियन टेलीकॉम कंपनी HFCL ऑन वेडनेसडे दिन रिसीव एडवांस परचेज ऑर्डर, यहाँ पे देखिए एग्री गेटिंग टू 447.81 करोड़, मतलब 447 करोड़ 81 लाख रुपीज टोटली यहाँ पे भारत संचार निगम लिमिटेड ने दिया एंड रेलटेल कॉरपोरेशन भी दिया। तो दोनों ने मिलकर कुल मिलाकर 447.81 करोड़ का यहाँ पे टोटली इन्वेस्टमेंट यहाँ पे किया है। तो अभी देखना है कि ऑफ इंडियन लिमिटेड रेलटेल के ऊपर भी दिया, द कंपनी प्लान्स टू यहाँ पे देखिए एग्जीक्यूट द ऑर्डर इज लेस देन ए ईयर, मतलब एक साल के अंदर जो ऑर्डर उन्होंने दिया है, जिस ऑर्डर के लिए पैसा दिया है, उस ऑर्डर को एक साल के अंदर वो कंप्लीट करेगा और उसको माल भी दे देंगे। तो HFCL शेयर यहाँ पे देख सकते हैं क्लेम नियरली 5% ड्यूरिंग द डे। तो आप यहाँ पे चार्ट पैटर्न भी देख सकते हैं, जब मार्केट में इस तरीके से न्यूज आता है तो गैप आप में ओपन हो जाता है, ओपन मार्केट में जब कोई न्यूज आता है तो वहाँ पे रैली देखने को मिलता है, अगर प्रीवियस डे में ही न्यूज आ जाता है तो मार्केट जो ओपन होता है गैप अप में ओपन होता है। तो उसके बाद देखिए कंपनी साइड बेसिस पैटर्न में चला, तो यहाँ पे न्यूज का इम्पेक्ट, तो
तो क्या फ्यूचर के लिए ग्रोथ कर पाएंगे? क्या न्यूज का इम्पैक्ट फ्यूचर में आपको ज्यादा देखने को मिलेगा? चलो आप देख सकते हैं, ऑफ द टोटल 447.81 करोड़, द ऑर्डर फ्रॉम BSNL अनाउंस टू 341.26 करोड़ फ्रॉम द सप्लाई, यहाँ पे देखिए इंस्टॉल, यहाँ पे देखिए सप्लाई इंस्टॉलेशन एंड कम्युनिकेशन, यहाँ पे देखिए कम्युनिकेशनिंग सॉरी कमीशनिंग एंड ऑपरेशन के ऊपर कंपनी काम करेगी, मतलब इस तरीके से प्रोडक्ट के ऊपर काम करेंगे। देखिए कंट्रोल पैनल यूजर, यहाँ पे देखिए प्लेन जो बोर्ड होते हैं, जो नेटवर्क गेटवे होते हैं, तो उसी को प्रोडक्ट बनाने के लिए यहाँ पे टेंडर दिया गया है। तो देखिए इस टेंडर के हिसाब से कंपनी का ऑब्वियसली एक्स्ट्रा बेनिफिट होगा, एक्स्ट्रा फायदा होगा, तो इसीलिए मैं इस कंपनी के ऊपर आपको फोकस रखने के लिए जरूर कहूंगा। फिर भी मैं आपको एक डिस्क्लेमर पहले ही दे देता हूँ, इस कंपनी के पास मेरे कोई हिस्सेदारी नहीं है। आपको मैं इस कंपनी के ऊपर फोकस रखने के लिए इसलिए बोल रहा हूँ कि ये नहीं कि कल जब आप निवेश कर देंगे, बिल्कुल भी निवेश मत करिएगा। कंपनी का निवेश ना करने का जो मेरा बोलने का जो मकसद है, चलो वो मैं आपको दिखा देता हूँ। कंपनी का हालत पहले आपको देखना पड़ेगा। आप एक बार चार्ट पैटर्न देखेंगे, आपको लगेगा सर कंपनी कोविड सिचुएशन के टाइम में कंपनी 7-8 रुपीज में चलने वाला कंपनी था। यहाँ पे जो पीरियड था ना, यहाँ पे 8 रुपीज में कंपनी का शेयर चल रहा था। 8 रुपीज से कहाँ गया, 100 रुपीज तक गया। तो इसका मतलब आपका फंड करीबन करीबन 11 गुना हो चुके थे, 11 गुना। और इसी को देखकर रिटेल निवेशक पूरा का पूरा निवेश करने के लिए तैयार हो चुके हैं। देखिए उसको लग रहा है आज 100 में गया है, कल अभी फिर से अभी 80 रुपीज में मिला है, तो 800 से अगर 100 जा सकते हैं तो 80 से 800 भी जा सकते हैं, क्या 1000 भी जा सकते हैं। तो इसका मतलब उसका जो कैलकुलेशन है, आपका कैलकुलेशन कोई खराब नहीं है। इतने सारे लोग इस तरीके से कैलकुलेशन कर रहे हैं, मगर मेरे हिसाब से इस तरीके से कैलकुलेशन मत करिएगा, क्योंकि कंपनी का हालत अभी बहुत खराब है। क्योंकि मैं खराब इसीलिए कर रहा हूँ कि कंपनी का परफॉर्मेंस आप देखेंगे, एक चीज देख कर आपको अच्छा लगा होगा कि कंपनी का रेवेन्यूज कंटिन्यूसली ग्रोथ हो रहा है। अच्छी बात है, कंपनी के ऊपर आप भरोसा कर सकते हैं, तो भरोसा करने का लायक किस तरीके से वो भी तो देखना चाहिए ना। तो कंपनी देखिए आपको रिटर्न बहुत ज़्यादा दिया, अच्छा खासा दिया, तो आप भी कहेंगे सर रिटर्न भी तो तगड़ा मुझे मिला है। तो चलो बाकी डिटेल्स तो आपको दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले मैं चार्ट पैटर्न आपको लाइफ टाइम में दिखा देता हूँ। देखिए इसका चार्ट पैटर्न देखेंगे तो कंपनी 111% का रिटर्न दिया। कंपनी जब स्टार्ट हुआ तब से लेकर कंपनी 2000 तक गया था। कंपनी देखा जाए तो 80 रुपीज में स्टार्ट हुआ था, उसके बाद 2000 तक गया था। तो उसी तरीके से अभी रिटेल निवेशक सोच रहा है, तो 8 रुपये से अगर 100 जा सकते हैं तो 80 रुपीज से 1000 जा सकते हैं। तो इस तरीके से कैलकुलेशन किया जा रहा है। तो मेरे कहने का मतलब है आप इस तरीके से कैलकुलेशन करके निवेश कर सकते हैं, आपका कैलकुलेशन कोई गलत नहीं है। कंपनी का परफॉर्मेंस फिलहाल के लिए अच्छा खासा देखने को मिल रहा है। तो मैं जरूर कहूंगा इस तरीके से कंपनी के ऊपर छोटा मोटा निवेश करिए, ऐसा निवेश मत कर दीजिएगा कि कल जाके आपको इस कंपनी फिर से इस तरीके से कुछ सीनरियो देखने को मिले तो आपका पैसा पूरा का पूरा बर्बाद हो जाएगा। आपका इतनी मेहनत का पैसा, आपने इतने मेहनत करके पैसा कमाया, वो पैसा पूरा का पूरा डूब सकता है। तो आपको मैं जरूर कहूंगा, आपको इस कंपनी के ऊपर भरोसा है तो आप जरूर स्टडी करना और उसके बाद डिसीजन लेना। मेरे पास इस कंपनी का कोई भी हिस्सेदारी नहीं है, क्योंकि इस तरीके से कंपनी को मैं ज्यादा से ज्यादा प्रेफर नहीं करता हूँ। कंपनी जितना भी अच्छा खासा परफॉर्मेंस करे, उसका चार्ट पैटर्न देखने के बाद मुझे निवेश करने का जो अंदाजा था वो टोटली चेंज हो गया। तो आशा करता हूँ पूरा डिटेल्स यहाँ पे आपको मिल चुका है। सिर्फ दो चीज आपको ध्यान में रखना है इस कंपनी के ऊपर। एक चीज है कंपनी का परफॉर्मेंस किस तरीके से ग्रोथ हो रहा है। देखिए मैं एक इस कंपनी का परफॉर्मेंस आपको दो चीज आप यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। जो कंपनी का सेल्स ग्रोथ है वो नेगेटिव है, कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ जो है वो भी नेगेटिव में है। इसका मतलब अभी कंपनी का हालत नेगेटिव में ही देखने को मिला है। कंपनी इनकम चलो कर रहे हैं, अच्छी बात है, कंपनी के इनकम से डबल कंपनी का कर्जा भी है। कंपनी के इन्वेस्टर वो चीज सबसे पहले देखने के बाद ही आप डिसीजन लेना, क्योंकि देखिए DIS और FIS ऐसे माल उठा के रखा, कल की कंपनी बंद भी हो जाए तो इसका कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो सबसे ज्यादा किसने माल उठाया, पब्लिक ने। पब्लिक ने करीबन करीबन 51% होल्डिंग उठा के रखा है। तो सोचिए जिसके पास ज्यादा होल्डिंग रहेगा उसके पास तो मतलब आपको कंपनी के ऊपर भरोसा तभी करना चाहिए। अगर इस तरीके से होल्डिंग अगर FIS और DIS के पास होता तो पब्लिक के पास है, तो पब्लिक कभी भी कुछ भी डिसीजन ले लेते हैं, कल जाके माल बेच देते हैं, फिर से खरीद लेते हैं, तो इस तरीके से वो पैनिक सिचुएशन में पड़ जाते हैं। अगर स्टॉक में गिरावट देखे, आज 80 में चल रहा है, कल अगर 40 हो जाएगा ना, तो इसमें से बहुत सारे लोग निकल जाएंगे। और हाँ ये बात भी सही है, बहुत सारे लोग एंटर भी हो जाएंगे, क्योंकि तो उसको लगेगा कि 80 का शेयर 40 में मिल रहा है,
सस्ते में मिल रहा है, चलो मैं निवेश कर दूँ, ऐसे बिल्कुल आप सोचना मत। अगर आपको अच्छे खासा पोर्टफोलियो बनाना है एट फ्यूचर के लिए, तो रिस्की कंपनीज के ऊपर आपको निवेश करना भी चाहिए, तो उतना भी रिस्की कंपनी के ऊपर निवेश मत करिएगा जो अभी फिलहाल के लिए मतलब बहुत हाई लेवल से बहुत खराब लेवल में चल रहा है। तो चलो मिलते हैं इसी तरीके से नया स्टॉक लेके। आपके इसके पास हिस्सेदारी मतलब इस कंपनी के हिस्सेदारी आपके पास है तो मुझे जरूर कमेंट करना, और इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना, नीचे टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लेना आप इंट्राडे ट्रेड करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।